हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल की हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। आज हम लोग फिर से अपने मिथ्स को बस्ट या कंफर्म करने आए हैं, तो जिसने भी जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और एक और बात, लस्सी लुस्सी पी ली ब्रो। तो अपना फर्स्ट मिथ है कि अगर हम हॉर्स के ऊपर बैठकर डायनासोर के पास जाओ फिर डायनासोर हमें नहीं मारेगा। तो हॉर्स के ऊपर बैठ के हमें डायनासोर के पास जाना है और वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। भाई हॉर्स के ऊपर अगर मैं बैठ के जाऊंगा तो हमें डायनासोर नहीं मारेगा, कुछ कुछ तो मुझे रियलिटी दिख रही है कि हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि भाई हॉर्स भी एक जानवर है और वो भी एक जानवर है, शायद काम बन सकता है। तो हम मुझे लगता है शायद वो हमें नहीं मारेगा, तो हम लोग निकलते हैं सबसे पहले डायनासोर के पास। जुरासिक पार्क के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी भाई साहब। तो हम लोग, भाई आपको कुछ अलग अलग दिख रहा है ये, जो मतलब सब पेड़ कुछ बढ़ा दिए गए हैं, थोड़े पेड़ घटा दिए गए हैं। मेरे साथ घटाना घटोना छोड़ो, पेड़ बढ़ा दिए गए हैं। देखो भाई पेड़ के ग्राफिक्स चेंज होते हैं, देखो यहाँ से कुछ और लग रहे हैं अगर मैं पास जाऊँगा, ये देखो चेंज हो गए। क्या है भाई ये, कितने पे चल रहा है ये, 40 FPS, 36 FPS, कितना FPS दे रहा है इस टाइम गेम, गेम ने भाई 30 FPS पे गेम चलता है, कितने पे चलता है ये। और ये देखो एक पेड़ है ये भी कटा पड़ा है यहाँ पे एक। चलो भाई सबसे पहले डायनासोर को ढूंढना है, जो हमारा मिथ है उसको हमको कन्फर्म करना है। और सबसे पहले मुझे डायनासोर को ढूंढना है, और डायनासोर मिल नहीं रहा भाई। मिल जा भाई डायनासोर भी भाई जैसे रियल लाइफ में तो ख़त्म हो गए हैं, तो गेम में भी साले अब दिख नहीं रहे मुझे, धीरे धीरे इसमें ना ख़त्म हो जाए यार, यही दिक्कत है। पर होने नहीं वाले, मिलेंगे एक या दो तो ज़रूर मिलेंगे। तो ओ भाई आवाज़ आई, कौन पीछे पड़ा है हमारे भाई, डायनासोर दिख तो नहीं रहा, कहाँ पे है भाई। वो देखो आ रहा है, छोटा डायनासोर है, पर देखते हैं ये हमको मारता है, हम लोग हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या हमें ये मारेगा। वो मार रहा है भाई, मार रहा है। हॉर्स के ऊपर बैठ के भी हम लोगों को उसने वॉस्टेड कर दिया है। ये सब अपना एक नेक्स्ट मिथ है कि जो कि भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पे आ जाओ और यहाँ पे तुम आगे के चलोगे अपने आप तुम्हारा बंदा नीचे गिर जाएगा। जैसे मैं चल रहा हूँ इसी पोजीशन पे चलना, देखना अभी अभी तो नहीं गिरा, कोई बात नहीं। तो भाई साहब इस पोजीशन पे बंदा गिरता है पर मुझे अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक बार रुको ट्राई करना तो बनता है। इधर साइड में चल रहा था कि यहाँ पे मैं गिर गया था अपने आप ही, यहाँ पे कोई ग्लिच जरूर है, क्या ग्लिच है मुझे नहीं पता, बट यहीं पे कहीं पे ग्लिच है, यहाँ पे अपना बंदा खुद ही गिर जाता है अपने आप ही, कहीं कहीं पे भाई ग्लिच है। आप सभी ने कभी कभी तो देखा होगा कि यहाँ पे बंदा अपना अपने आप नीचे गिर जाता है। ये देखो यहाँ पे ग्लिच है, पता नहीं यहाँ पे कुछ अटक रहा है इसके पैरों में, तभी यहाँ पे मैं एक बार फिर से लेकर आऊंगा, गिरेगा देखना। अभी ऐसे लेके चलते बिना फोन के। ओ पोजीशन गड़बड़ हो गई है, फिर से एक बार वंस मोर। ये देखो तो भाई साहब ये है अपना एक न्यू ग्लिच है, जो कि भाई ट्रेन के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही पास में है। तो भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है, क्रेजी है, मज़ा तो आ रहा है मुझे भाई इसमें गिरने में। अपना नेक्स्ट मिथ है कि जुरासिक पार्क में स्टिकी मैन होके टीरेक्स को स्नाइपर से गोली मार के बुलाओ, उसके बाद जब तक टीरेक्स आपके पास ना आए तो कुछ नहीं करना, जब तक टीरेक्स आपके सामने फिर आए। मैजिक देखो, टीरेक्स का मतलब शायद डायनासोर की बात हो रही है, अब पता नहीं टीरेक्स छोटा वाला डायनासोर की बड़ा वाला, तो जो भी हमको मिलेगा वो करना है। सबसे पहले हमको बनना पड़ेगा स्टिकी मैन, बनने के बाद शायद भाई कुछ ना कुछ तो नया होगा, ये तो मुझे भी पता है, वैन बनना तो पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टिकी मैन बनने की पूरी तैयारी करते हैं, 1 2। तो भाई साहब हम लोग बन गए हैं स्टिकी मैन, तो जुरासिक पार्क में पहले ही आ गया था, तो जुरासिक पार्क में मैं स्टिकी मैन बना हूँ। और ये कितने सारे मैंने लगा दिए हैं स्टिकी बॉम्ब, मेरे हिसाब से 34 35 होंगे। चलो भाई वो देखो एक छोटा सा डायनासोर है, ओके बड़ा डायनासोर ना ही हो, पहले छोटे से ट्राई करते हैं, तो छोटा देखते हैं हमारा हमको ख़त्म करेगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट वो आ गया है मेरे सामने, अब देखते हैं क्या करता है वो। चलो कुछ भी हमको नहीं करना है, वो सामने आएगा तो पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है ओके सामने आने दो उसे, ओके। ओ भाई साहब इसने हमें कुछ भी नहीं कहा भाई, सच में कुछ भी हमें नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे पास स्टिकी, क्योंकि हमने
इन्फिनिटी हेल्थ लगाई हुई है। इन्फिनिटी हेल्थ लगाने के बाद हम लोग स्टिकी मैन बने हैं। स्टिकी मैन खाली नहीं बने, पहले हम लोगों ने इन्फिनिटी हेल्थ लगाई, बाद में स्काई फॉल करने के बाद स्टिकी मैन बने हैं। तो अगर तुमने इन्फिनिटी हेल्थ खाली भी लगाई हो ना, तब भी तुम्हें वो कुछ भी नहीं कहेंगे, भले तुमने स्टिकी बॉम्ब लगाए हों या ना लगाए हों। तो वैन भाई, ये दिस इज़ अ कन्फर्म मिथ, पर थोड़ा सा अलग तरीके का था, पर हाँ सही है। अब भाई इसका कुछ काम तो किया जाए, स्टिकी मैन ऐसे तो चलता नहीं रहेगा, तो इसको चलो हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ओ भैंस की टांग, अरे भाई साहब बंदा कितनी ऊपर उड़ जाता है यार, सोचने वाली बात है यार, क्रेजी यार, नेक्स्ट लेवल। और अपना नेक्स्ट मिथ है कि बुगाटी और एंडेवर को साथ में चलाओ फिर होगा मैजिक। भाई बुगाटी का चीट कोड क्या था? बुगाटी मैंने रुको, बुगाटी तो चलो हमको सामने मिल जाएगी, वो देखो जा रही है रास्ते पे, बट उसका कोई चीट कोड भी तो था। हाँ हाँ भाई, हम दूसरों की चोरी नहीं करेंगे, अपनी लेंगे भाई, पैसा है तो क्यों चोरी करनी यार, पैसा है तो उसको खर्चो यार। इसकी टांग चाले, बुगाटी हमारे पास आ गई है। तो भाई साहब ये मेरी खुद की बुगाटी है, पैसा मेरा है, सारा कुछ मेरा है, क्योंकि मैं इसे एक अमीर आदमी हूँ, ठीक है, इस गेम में, ठीक है। और भाई यहाँ पे मैं एक इंडेवर को प्रस्थान करने वाला हूँ, जो कि 2020 से आती है अपनी, एक सुशील सुंदर इंडेवर, ओके ठीक है भाई, इसको लगाना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि हम लोगों दोनों को साथ में चलाना है। तो भाई साहब बाहर निकलते हैं अपने इंडेवर से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे अपनी खड़ी है बुगाटी, और बुगाटी और इंडेवर को साथ में दोनों के जैसे चलाएंगे। आहो भाई साहब, थोड़ा सा सीन का गलत सीन हो रहा है कि इसका ये आगे आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि दोनों के बराबर आ रहे हैं कि इधर उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की ऑप्शन तो एक ही है यार। चलो क्लिक करके देखते हैं, ओके ओ दोनों के गेट खुले, इसका मतलब कि क्लिक हुआ है, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या, ओ भाई दोनों एक साथ चल रही हैं, मैजिक क्या है, यही मैजिक है कि दोनों एक साथ चल रही हैं, शायद यही मैजिक है कि दोनों एक साथ चल रही हैं। भाई दोनों को ठोक दूं क्या, ये लो भाई, ओ ड्राइवर इतनी खतरनाक गाड़ी है क्या भाई, कि अपनी बुगाटी का बम्पर से उड़ा दिया। तो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि थार में हम आरजीबी कलर करते हैं तो दरवाज़ा और आगे वाला भाग अलग दिखेगा और बाकी का भाग अलग दिखेगा, भाग, अरे वाह, यहाँ संस्कृत भाषा, ये चलो भाई 1990 से अपनी आएगी इन थार, ठीक है। हाँ, लग रहा भाई, ये वाला जो भाग है, जो इसके गेट गूट है, मैं भी चलो थोड़ा उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, ये जो अगला वाला भाग आप लोग देख रहे हो ना, ये जो गेट वाला, ये बिल्कुल अलग लग रहा है, जो अगला वाला बोनट है वो अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं, और सब पे कलर्स आ रहे हैं सिंपल, गेट पे और आगे ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं। तो दिस इज अ मिथ, कन्फर्म मिथ, नेक्स्ट लेवल थार लगती है। और एक और मैं बता दूं कि थार, अगर आपने थार को आरजीबी कलर करवा दिया है, उसके बाद तुम कलर नहीं चेंज कर सकते, अगर तुमने आरजीबी कलर कर दिया है तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वरना तुम्हें दूसरी स्पॉन करनी पड़ेगी। ऑल राइट गाइज, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आप लोग कमेंट्स करके अपने मिथ जरूर देना कमेंट में, और हम लोग उनको भी कन्फर्म में बस्ट करेंगे, और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।